दिव्य तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आज लंकेश का भ्रम टूट गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि अब उनकी लंका नहीं बच सकेगी। अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हम उस रक्ष हंता राम से संधि कर ले। आपका हट आपका प्रतिशोध आपका अभिमान मुझे और लंका को अनाथ कर देगा। यदि लंकेश हमारे संधि प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें संधि करने में कोई संकट नहीं होगा। क्या संदेश भेजा है उस वनवासी राम ने, पढ़ के सुनाओ। लंकापति दशानन आपका कल्याण हो। हम रघुवंश राज दशरथ कुमार राम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी स्वर्ण लंका को बचा लें। अब तक आपने असंख्य वीर खोए हैं, असंख्य योद्धाओं की बलि दी है। असंख्य स्त्रियों को विधवा बनाया है। ये सब आपकी अनीति और अधर्म का परिणाम है। हम युद्ध नहीं चाहते। किंतु आपने हमें विवश किया युद्ध करने के लिए, और युद्ध का जो परिणाम होता है वही हुआ। भीषण रक्तपात, सैनिकों का बलिदान। यदि आप हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए धर्म का आचरण करें, अनिति का मार्ग त्याग दें और हमारी जानकी को सम्मान पूर्वक हमें वापस लौटा दें, तो हम संधि करने के लिए तैयार हैं। आप ज्ञानी हैं, बल बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे प्रस्ताव पर विचार करते हुए संधि के मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे। और बंद करो यह प्रलाप। उस बनवासी राम की मति मारी गई है। हमारे सगे संबंधियों का संहार करके संधि करना चाहता है हमसे। वो हमारी भागिनी चुर्प नखा को प्रताड़ित करके संधि करना चाहता है वो वनवासी राम हमसे। ये संधि का नहीं अपमान का प्रस्ताव है पिताश्री, और हम इस प्रस्ताव को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। कदापि नहीं पिताश्री। इस राम को ज्ञात हो गया है कि आप रणभूमि में जाने वाले हैं, इसीलिए उसने भयग्रस्त होकर यह संधि का प्रस्ताव भेजा है आपके लिए। समझे आप पिताश्री।
क्या प्रभु श्रीराम के संबंध में अब भी कुछ समझना शेष रह गया है लंकेश? क्या जवाब किए स्वर्ण की लंका मिट्टी में मिल जाएगी, तब आपको प्रभु की शक्ति का ज्ञान होगा। डांस वानर, डांस! हमें उस राम को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उन वनवासियों को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें भी इस संधि में कोई रुचि नहीं है लंकेश। मैं तो आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपको प्रभु का यह संधि प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं, आप सीधे सीधे शब्दों में उत्तर दें। विभीषण ने भी आपका भला ही सोचा था। यदि उस समय आपने उनका परामर्श मान लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अभी भी समय है स्वामी, यदि आप श्री राम से। हमें प्रस्ताव स्वीकार है, मैं प्रस्थान करता हूं लंकेश। जय श्री राम। हेलो वानर। संकट मोचन जय हनुमान। आप ये भली भांति जानते हैं कि प्रभु आपकी ये मांगे कदापि पूरी नहीं कर सकते। वानर, ये मत भूलो कि तुम राम नहीं हो, तुम मात्र एक वानर, और तुम्हें राम तक हमारा संदेश पहुंचाना है, केवल संदेश। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम। हेलो वानर। संधि प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले यदि तुम्हारा राम हमारी मांगे मानने को तैयार है तो हम उसका संधि प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। संधि की मांगे बताएं लंकेश। हमारी पहली मांग, हमारी भागिनी को विरूपित करने वाले उस लक्ष्मण बांध कर लंका भेजा जाए। दूसरी मांग, उस सुग्रीव का वध कर दिया जाए और किष्किंधा राज पर अंगद का राज्य अभिषेक किया जाए। तीसरी मांग, तुम्हारी इस पूंछ को अग्नि में होम कर दिया जाए। प्रयास तो आप पहले भी कर चुके हैं लंकेश, क्या पुनः? वानर, तुम केवल एक दूत हो, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्षमा करे लंकेश, क्या और भी कोई मांगे शेष हैं? वो भी बता दे। हमारी चौथी मांग, हमारे अनुज विभीषण को बांध कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। We'll be right back.
हमारी पांचवी मांग। लंका के उस सेतु को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए जिस पर चढ़कर राम अपने वानर और भालू सेना के साथ लंका में प्रवेश किया था। हमारी छठी और अंतिम मांग, जाकर कहो अपने उस राम से कि वो भी हमारे समान महादेव की शरण में जाए और महादेव की पूजा अर्चना करे। हे वानर, सुन लिया? हाँ लंकेश, आपने प्रभु श्री राम का संदेश स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं किया। आप ये भली भांति जानते हैं कि प्रभु आपकी ये मांगे कदापि पूरी नहीं कर सकते। वानर, ये मत भूलो कि तुम राम नहीं हो, तुम मात्र एक वानर हो, और तुम्हें राम तक हमारा संदेश पहुंचाना है, केवल संदेश। और इस संबंध में तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, समझा सकते हो? आप सत्य कह रहे हैं लंकेश, पुनः मैं प्रस्थान करता हूं। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। ये तुम क्या कह रही हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया इस प्रकार? शांत रहो सीते, शांत रहो। मैं लंकेश के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी देवी तेजटा, अंततः तुमने अपना मूल रूप दिखाई दिया। संकट मोचन जय हनुमान। पुत्री सीते, तुमने कुछ सुना? सीते, मुझे तो कोई भी सूचना आपसे ही मिलती है देवी त्रिजटा। क्या युद्ध समाप्त हो गया? सीते, लंकेश के बिना युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है पुत्री? ये तो तुम्हारे पति ने लंकेश को संधि का प्रस्ताव भेजा था। क्या संधि? कैसी संधि? मेरे स्वामी लंकेश को संधि का प्रस्ताव कैसे भेज सकते हैं? लंकेश ने जो अन्याय और अधर्म किया है उसका प्रतिशोध लिए बिना मेरे स्वामी संधि के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? धीरे बोलो सीते, धीरे बोलो, यदि किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे पति भली भांति जानते हैं लंकेश अंतिम सांस लेने तक संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। मैं जानती थी देवी तेजटा कि वो संधि का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम सत्य कह रही हो सीते। कहते हैं सब कुछ बदल सकता है, किंतु मनुष्य का स्वभाव बदल नहीं सकता। लंकेश भी अपने स्वभाव के अनुकूल ही कार्य कर रहे हैं। जब तक लंकेश को उसके किए का दंड नहीं मिल जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने मुझे बहुत सताया है। तुम जो चाहती हो वही होगा सीते। लंकेश को उसके किए का दंड भुगत नहीं होगा। सावधान सीते, लंकेश को कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पति उसी क्षण परास्त हो गए थे जब उन्होंने लंकेश के पास संधि का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन लंकेश कभी संधि नहीं करेंगे, समझी तुम? ये तुम क्या कह रही हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया इस प्रकार? शांत रहो सीते, शांत रहो। मैं लंकेश के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकती।
बेटे, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी देवी तेजटा। अंततः तुमने अपना मूल रूप दिखाई दिया। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, आज भी वही हूँ जो पहले थी। सत्य तो यही है कि हमारी बातें कोई सुन रहा था। यदि लंकेश को पता चल जाता कि मेरी कोई सहानुभूति तुम्हारे साथ है, तो मेरे साथ तुम भी संकट में पड़ जाती। सीते, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई संकट आए। सीते, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं जो भी कह रही थी वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। सीते, समय कम है। मुझे लगता है कि मेरी बातें उन दोनों ने सुन ली हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी त्रिजटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीते, मुझे शीघ्र ही उन्हें रोकना होगा। अर्थात लंकेश की एक भी मांग पूरी नहीं की जा सकती है प्रभु। कदापि नहीं हनुमान, लंकेश अपने अंत का आयोजन कर रहा है। वो युद्ध चाहता है, युद्ध, और युद्ध का अर्थ होगा महाविनाश। मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो। तुम्हारा सत्य प्रकट हो चुका है त्रिजटा, तुम सीता से मिली हुई हो। मैं सीता से नहीं मिली हूँ, पूरी नारी जाति से मिली हुई हूँ। जिस नारी जाति का लंकेश ने सदा अपमान किया, और इसी सत्य को मैं तुम्हें बताने आई हूँ। हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो त्रिजटा। भ्रमित तो लंकेश ने तुम लोगों को किया है, इसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब तक युद्ध में तुम दोनों के पति मारे गए हैं। लंका की कितनी नारियां विधवा हो गई हैं। क्या इसकी चिंता लंकेश को है? लंकेश ने जिन नारियों पर अत्याचार किया, उनके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा है क्या? सीता का कोई दोष नहीं है। इस युद्ध को लंकेश रोक सकते थे। हम इसलिए सीता के साथ हैं कि वो नारी जाति के उस प्रतीक के रूप में है जिसका लंकेश ने सदैव अपमान किया। बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है तुम दोनों से। हमें क्षमा कर दीजिए देवी त्रिजटा, आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से सीता हम दोनों की सखी हैं और हम उनका अहित कदापि नहीं होने देंगे। लंकेश असंभव को संभव करना चाहता है हनुमान। अपनी अनुचित मांगे बताकर वो संसार को ये सिद्ध करना चाहता है कि जो कुछ भी उसने किया वो सही किया। प्रभु, मैंने तो उसे वही बता दिया था कि उसकी एक भी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। संधि का प्रस्ताव भेजकर हमने लंकेश को एक अवसर दिया था हनुमान, किंतु उसने हमारी संवेदना का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। मेरे प्राणों से प्रिय भ्राता लक्ष्मण को बंदी बनाने की मांग करके उसने अपनी सारी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। वो आज भी अपनी भगनी सुपनखा के दुस्साहस को उचित सिद्ध करने में लगा हुआ है। हनुमान, लक्ष्मण ने सुपनखा के दुस्साहस को क्षमा करके
उसे जीवित छोड़ दिया, यही आश्चर्य की बात है। हाँ प्रभु, लंकेश की दूसरी मांग भी ऐसी ही है, वो महाराज सुग्रीव का वध चाहता है। इसलिए क्योंकि वानराज सुग्रीव ने हमारे प्राणों की रक्षा का वचन दिया है, इसलिए लंकेश वानराज सुग्रीव से भी प्रतिशोध लेना चाहता है। मैं तो साक्षी हूँ प्रभु, महाराज सुग्रीव ने जो कष्ट सहे हैं उनका अनुभव मैंने भी किया है। किंतु हनुमान, लंकेश तो तुम्हें भी देखना नहीं चाहता, उसने तुम्हारी पूछ जला देने की मांग की। प्रभु, आपकी कृपा से मेरी पूछ ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु है, और मेरी पूछ ने ही उसकी स्वर्ण की लंका जलाई थी। हनुमान, क्या लंकेश ने विभीषण को दंड देने की मांग की? जिसे वो स्वयं दंडित नहीं कर सकता प्रभु, उसे आपके माध्यम से दंडित करना चाहता है। वो विभीषण को रक्ष संस्कृति का शत्रु और धर्म का रक्षक समझता है, जो उसे स्वीकार नहीं। अर्थात लंकेश की एक भी मांग पूरी नहीं की जा सकती है प्रभु? कदापि नहीं हनुमान, लंकेश अपने अंत का आयोजन कर रहा है, वो युद्ध चाहता है, युद्ध, और युद्ध का अर्थ होगा महाविनाश। हम महाविनाश देखना चाहते हैं मंदोदरी, महाविनाश, इस सृष्टि का अंत देखना चाहते हैं, इस सृष्टि का अंत। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।